हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ विकास। तो ये है हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की चैप्टर चल रहा है, उसका पार्ट टू है। तो इस पार्ट टू में हम डिस्कशन करेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसा था, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेट 18th सेंचुरी दैट मीन्स जो 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में जो टाइम है उसे हम कहते हैं 18th सेंचुरी, और लेट 18th सेंचुरी दैट मीन्स 1750 से 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक। दैट मीन्स ये जो इसके बीच जो गैप है, जो टाइम पीरियड है, जो 50 एज है, उसे हम कहते हैं लेट 18th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी कैसा था, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो आपकी बुक में दिया गया है कि जो 1774 था, 1774 में जो किंग कौन थे कि लुईस 16 थे, जो कि बर्बन डायनेस्टी की एक किंग थे, वो किंग हुए। जब वो किंग हुए, वो उसको ओनली 20 इयर्स हुआ था, और वो मैरिड करे, वो शादी की किंग को, किंग जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट को, उसके साथ शादी हो गया। जो प्रिंस जो लुईस 16 था, उसकी शादी हो गया जो ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस मैरी एंटोनेट के साथ। तो ओपन हिज एसेशंस द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। तो ओपन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। तो जब उन्होंने किंग हुआ तो उसको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिला, कि जो राजा थे उस राज्य की ट्रेजरी था, जो कलेक्शन था, जो पैसा कलेक्शन होता था, तो उसको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिला। इट मीन्स कोई भी ज्यादा संपद और ज्यादा मनी नहीं था ट्रेजरी में जब वो राजा हुए फ्रांस की। तो क्यों ये सब क्यों हुआ, क्योंकि लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फ्रांस। जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो वॉर हुआ था, जो वॉर चल रहा था, जो युद्ध हो रहा था, उसमें सारे पैसा खर्च हो गया था, जो फाइनेंशियल रिसोर्स था सभी खत्म हो गया था फ्रांस की। Then again added to this were the cost of maintaining an extra rich court at the immense place of Versailles. उसके साथ जो वर्सेलेस में जो प्लेस था उसको मेंटेन करने के खर्च में भी बहुत सारे पैसा खर्च हो गया था। उसके बाद जो लुईस 16 थे, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो रूल कर रहा था, जो कॉलोनी था, ब्रिटेन की कॉलोनी, बहुत सारे अमेरिकन कंट्री में उसका कॉलोनी था, तो उसी को इंडिपेंडेंस करने के लिए ये जो फ्रांस था, फ्रांस ने हेल्प किया था लुईस 16 की अंडर में, तो उसमें भी बहुत सारे पैसा खर्च हो गया था, इसलिए ये जो ट्रेजरी था, ट्रेजरी एम्प्टी हो गया था। द वॉर एडेड मोर देन ए बिलियन ऑफ लीवर्स। तो ये जो लीवर है, लीवर फ्रांस की करेंसी था उस टाइम, जब हम 1774 की बात कर रहे हैं, उस टाइम की करेंसी जो फ्रांस की था वो लीवर्स था। तो जो वार हुआ था, वार में बहुत सारे पैसा खर्च हो गया था, इसलिए वो लोन ले रहा था, और जो लोन था वो मोर देन 2 बिलियन लीवर इंक्रीज हो गया था। लेंडर हु गैप द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज द 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। दैट मीन्स जो लोन लिया था फ्रांस, तो फ्रांस की लोन इतना बढ़ गया था कि जो कंट्री फ्रांस को लोन दिया था उन्होंने उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया था। मतलब लोन बहुत सारे हो गए थे, इसलिए वो कंट्री भी अब ज्यादा से ज्यादा पैसा इंटरेस्ट के रूप में चार्ज करने लगे थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिगेड टू स्पेंड एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। दैट मीन्स सो जो फ्रांस गवर्नमेंट था वो अपना परसेंटेज इंक्रीज करना चाहता था, अपना जो रिवेन्यू था और जो ट्रेजरी था, ट्रेजरी को इंक्रीज करना चाहता था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस एंड यूनिवर्सिटी, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स। तो जो पैसा, उसके बहुत सारे पैसा जो की जरूरत थे, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए, जो कॉस्ट ऑफ मेंटेन, आर्मी को मेंटेन रखने के लिए, तो कोर्ट को मेंटेन रखने के लिए, तो गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए, जो सारे गवर्नमेंट में ऑफिस में काम करते हैं उस सभी को पैसा देने के लिए, यूनिवर्सिटी सारी को चलाने के लिए, और जो स्टेट क्या किया कि जो टैक्स थे, जो फूड्स में, जो चीज में जो लोग यूज करते थे, उस सभी चीज में उन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया। एट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव
The French society in the 18th century was divided into three states and only the member of third state pay taxes. तो उसके साथ साथ जो sufficient नहीं हो रहा था, इसलिए फ्रेंच सोसाइटी जो 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी को तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया था, जो फ्रेंच सोसाइटी तीन हिस्से में डिवाइड हो गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट स्टेट में क्लेजी थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी थे, और जो सारे बिजनेसमैन, कोर्ट्स, ऑफिशियल्स, पीजेंट्स और आर्टिसियन, और स्मॉल पीजेंट्स और लैंड लेबर्स और सर्वेंट जो थे, जो डे लेबर थे, सभी थर्ड स्टेट में आते थे। तो इसके बारे में हम बाद में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। French society in the 18th century was divided into three states and the only member of third state paid taxes. देखिए, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थे वो तीन हिस्से में डिवाइड किया गया था, तीन स्टेट में डिवाइड किया गया था, और डिवाइड किया गया था किंग के द्वारा। फर्स्ट जो थे जो क्लेजी थे, क्लेजी दैट मीन्स जो रिच पर्सन थे, सब इस कैटेगरी में आते थे। नेक्स्ट, सेकंड जो नोबिलिटी, नोबिलिटी दैट मीन्स जो चर्च में काम करते थे, जो रिलीजियस एक्टिविटी करते थे, रिलीजियस जो मंदिर में, मस्जिद में वर्शिप करते थे, तो उस कैटेगरी के पीपल नोबिलिटी कैटेगरी में आते थे। और जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट में मेनली जो बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट, आर्टिसियन एंड स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स जो आते थे, ये तीन कैटेगरी थर्ड स्टेट में आते थे। और जो थर्ड स्टेट थे, थर्ड स्टेट ओनली टैक्स देते थे। इस दोनों जो स्टेट थे, इस दोनों स्टेट को टैक्स देना नहीं पड़ता था, और किंग ने उन्हीं से टैक्स नहीं लेते थे, और ये जो थर्ड स्टेट थे, थर्ड स्टेट से ही सारा की सारा टैक्स लिया जाता था, और इस लोग उस पैसे को लेकर मजा करते थे। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो 1789 थे, इसकी बिफोर दैट मीन 1789 की पहले जो थे उसके हम कहते ओल्ड रिजम कहते हैं। ओल्ड रिजम दैट मीन्स 1789 की पहले से। तो जो 1789 के पहले क्या होता था कि जो फ्यूडल सिस्टम चलता था, ये जो टैक्स देते थे कैसे देते थे, फ्यूडल सिस्टम दैट मीन्स जो कुछ भी ये लोग करते थे उसकी 1/10% जो कुछ उगाते थे, जो पीजेंट्स थे उसकी 1/10% थोड़ा सा हिस्सा ये जो किंग या किंग को दे देते थे, उसे फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, जो फिगर हमने अभी देखा कि द फिगर शो दैट द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो ये जो फ्रांस सोसाइटी के बारे में ये फिगर दिया गया है। और जो 90% पीपल्स थे, पॉपुलेशन थे, वो पीजेंट्स थे, और जो थर्ड स्टेट थे, जो पीजेंट्स थे, ये लोग 90% थे। लेकिन द स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, कि सारा के सारा लैंड जो था, ये सब ये जो नोबिलिटी और क्लेर्जी थे उसकी थी, और ये जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स की हाथ में बहुत कम लैंड था, और ये सारे पीजेंट्स क्या करते थे कि ये जो नोबिलिटी क्लेर्जी थे उन लोगों से ये रेंट में लेते थे और कल्टिवेट करते थे। तो इसलिए अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ओन बाय द नोबल्स। तो 90% तो पीजेंट्स थे, लेकिन जो 60% लैंड था, 60% लैंड ये लोग नोबिलिटी जो थे, नोबिलिटी कैटेगरी के पीपल इसके हाथ में था। तो आगे देखते हैं कि द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लेर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेज बाय बाथ, तो इस लोगों को जो प्रिविलेज दिया गया था वो बाथ के हिसाब से प्रिविलेज दिया था। दैट मीन्स जो नोबिलिटी फैमिली में जो पर्सन बॉर्न होगा, जो नया चाइल्ड होगा, वो चाइल्ड भी ऐसे ही जो फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज का एंजॉय करता था। दिस इंक्लूड्स द फ्यूडल ड्यूज व्हिच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, दैट मींस उसके घर में जो भी सारे बच्चे होंगे वो भी क्या करेंगे कि जो पीजेंट्स है, पीजेंट्स से टैक्स लेकर चलेंगे। तो पीजेंट ये एक प्रथा था जो 1789 की पहले से। Pigeons were obliged to render the service to rulers, to work in his house and field, to serve in the army and to participate in building roads. और क्या क्या पार्टिसिपेट करते थे कि जो pigeons थे वो सर्विस देते थे किसको, लैंडलॉर्ड को और किंग को, to work in his house उसके घर में फ्री में, मुफ्त में काम करते थे, उसके फील्ड में काम करते थे फ्री में, और to serve the army in the
इन दी आर्मी, आर्मी में भी पार्टिसिपेट करते थे, जो रोड बिल्डिंग होता था रोड बिल्डिंग में भी ये लोग फ्री में पार्टिसिपेट करते थे, फ्री में काम करते थे। तो इन जो था ये फ्रेंच सोसाइटी के बारे में था। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड तीथस। तो ये जो चर्च था, चर्च भी एक तरीके के टैक्स लेता था पिजन्स के, पिजन्स से, तो उसे कहते थे तीथस। तीथस क्या होता है, तीथस एक टैक्स लेव्ड बाय द चर्च कंप्लाइंग विद द 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जहाँ भी प्रोडक्शन होता था उसकी 1/10% वो चर्च की लोग ने ले जाते थे, जो कि हम क्या कहते थे उसको नोवेल्टी कहते थे, नोवेल्टी कैटेगरी में जो आते थे। और फाइनली ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे द टैक्स टू स्टेट। तो जो थर्ड स्टेट के सभी मेंबर थे, सभी मेंबर ने तरीके दूसरे दूसरे तरीके से अपना टैक्स देते थे। जो पिजन था, पिजन उसकी जो कल्टिवेट होता था उसकी 1/10% देता था, जो जो बिजनेसमैन था वो पैसा के रूप में देता था। तो ऐसे ही जो थर्ड स्टेट के लोग थे तो कुछ किसी ना किसी फॉर्म में टैक्स देते थे जो नोबेल्टी आर्कियोलॉजी कैटेगरी है उस पीपल को। दिस इंक्लूड द डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता था जिसे कि टाइल्स कहते हैं, और ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स भी होता था जो कि लेविड एन आर्टिकल ऑन एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट, टोबैको एक्सेट्रा। तो उसके साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि सॉल्ट टैक्स, टोबैको में टैक्स। तो जो डेली यूज कुछ गुड्स होते थे, कुछ चीज होते थे, उसके ऊपर भी टैक्स लगा जाता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्स वाज बर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। तो जो भी सारे फाइनेंशियल एक्टिविटी होता था, जो टैक्स, जो सारे पैसा लगता था, वो सभी पैसा की बर्डन ये जो थर्ड स्टेट थे, थर्ड स्टेट अकेले ही सभी बर्डन उसके ऊपर ही पड़ता था। दैट मीन्स सभी पैसा थर्ड स्टेट से, थर्ड स्टेट से जाता था, और ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे, क्लेजी और नोवेल्टी थे, उस सभी लोगों ने उसके अयाशी की जिंदगी जीते थे थर्ड स्टेट के पीपल से पैसा लेकर। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि दि स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो कैसे स्ट्रगल हुआ फ्रेंच सोसाइटी में, जो पीपल थे कैसे स्ट्रगल करते थे, और कैसे ये जो स्ट्रगल चला, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं ये 1789 की बात कर रहे हैं। तो 1789 में क्या हुआ था कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन क्या हुआ कि 23 मिलियंस जो था 1750 में, वो इंक्रीज होके 28 मिलियन तक हो गया 1789 तक। दैट मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, फर्स्ट पॉइंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। तो पॉपुलेशन के हिसाब से लोगों की जो डिमांड्स है, डिमांड्स भी इंक्रीज हुआ, जो फूड ग्रेन्स उसको खाना चाहिए कि नहीं। तो पॉपुलेशन के साथ साथ जो खाना है, खाना भी उसकी डिमांड, खाने की डिमांड भी इंक्रीज हुआ, फूड ग्रेन भी डिमांड भी इंक्रीज हुआ। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप द पीस विद द डिमांड। दैट मीन्स डिमांड के हिसाब से, जो फूड की डिमांड के हिसाब से उतना प्रोडक्शन फ्रांस में नहीं हुआ। तो इसलिए क्या हुआ कि जो प्राइस है बेड की, बेस की, बेड की प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। स्टेपल लाइट ऑफ द मेजोरिटी सो रोज रैपिडली। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज द लेबर इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेज। दैट मीन्स प्राइस तो सभी चीज की इंक्रीज हो गया, लेकिन जो काम करते थे, लेबर काम करते थे वर्कशॉप में, उसकी प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, जो फिक्स्ड के फिक्स ही रह गया। तो जो लेबर है, लेबर की प्राइस की, प्राइस भी उनके हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। बट द वेज डिड नॉट कीप पीस विद द राइज इन प्राइस, सो द गैप बिटवीन द पोअर एंड रिच वाइडन। तो इसके बाद इसलिए क्या हुआ कि जो पोअर और रिच उसके बीच में गैप इंक्रीज हो गया। कैसे, कि जो रिच पर्सन है रिच होते गया, और जो पोअर पर्सन है पोअर होते गया। क्यों, जो सभी चीज की प्राइस इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन जो भी होगा इंक्रीज होगा, तो जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर रहा है वो ज्यादा पैसा पाएगा, जो पोअर है वो ज्यादा पैसा देके नहीं ले सकता, और वो पोअर से पोअर होते जाएगा। थिंग्स बिकम रोच व्हेनेवर द ड्रॉट और हेल्ड रिड्यूस द हार्वेस्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि और एक समस्या हो गया क्या, कि जो फ्रांस है, फ्रांस में ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया। तो जो हार्वेस्ट होता था, जो भी प्रोडक्शन होता था, वो और ज़्यादा कम हो गया। दिस लेड टू ए सब्सिस्टेंट क्राइसिस, समथिंग दैट कुड अकर फ्रीक्वेंटली इन द फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजम। तो ये जो सब था, ये जो सब्सिस्टेंट क्राइसिस था, सब्सिस्टेंट क्राइसिस क्या होता है कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन, जो कि जो बेसिक लाइवलीहुड है, जो सब चाहिए एक
पर्सन को जीने के लिए वो सब जब नहीं मिलता लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसे हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, समथिंग दैट अकर फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली फ्रांस में ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस होते गया, जो ओल्ड रिजम था, ओल्ड रिजम में, ओल्ड रिजम मीन्स दैट इज 1789 की पहले। तो ये हमने जाना कि फ्रेंच पीपल कैसे स्ट्रगल करते थे अपने लाइफ जीने के लिए। ये था जो फ्रेंच सोसाइटी में सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे हुआ उसके बारे में हम डिस्कशन किए, कैसे प्राइस इंक्रीज हुआ और कैसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो नेक्स्ट क्लास ये थी आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो मिडिल क्लास से कैसे स्टार्ट हुआ। तो आज के लिए उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।